हैं और बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें मोबाइल की लत लग गई है। अब मोबाइल की लत लग गई है यानी आदत पड़ गई है, और ऐसी आदत जो कि नेगेटिव सेंस में है। एक तो होती है अच्छी आदत, अच्छी आदत का मतलब है कि सुबह जल्दी उठना, पानी पीना, वॉक करना, व्यायाम करना, अच्छा खाना, ये इनकी भी एक आदत होती है। लेकिन एक बुरी आदत है, जैसे कि हम किसी के साथ गलत संगति में उठना बैठना शुरू कर दिया है, या फिर फोन पर लंबे समय तक लगे रहते हैं, चाहते हुए भी सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पाते हैं। फोन जैसे ही बजता है हमें लगता है कि भाई पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट सूचना आ गई, जो हमको नहीं पता चली तो शायद दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। इस प्रकार के हमारे अंदर व्यवहार आने लगते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि कब हमारी अच्छी आदत बुरी आदत में बदल गई। उदाहरण के लिए आप अभी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, ये अच्छी आदत में भी शुमार हो सकता है क्योंकि आप एक पॉजिटिव इनपुट ले रहे हैं। लेकिन इसी के तुरंत बाद आप एक घंटे तक केवल व्हाट्सएप पर चैट करते रह गए, इंस्टा पर रील चलाते रह गए, यूट्यूब पर रील चलाते रह गए, तो आपको ये पता ही नहीं चला कि आपका समय पूरे दिन का कब खत्म हो गया, और आप फाइनली जब उठे तो बहुत ज्यादा टायर्ड थे लेकिन आपने शरीर से कुछ नहीं केवल दिमाग और आंखों से सब कुछ किया था। तो हम कैसे पहचाने कि हमारे सिम्टम्स क्या हैं और इस आदत से बचे कैसे, यानी कि अल्टीमेटली मोबाइल हमारे लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है, ये जो बीच की कड़ी है ना। जैसे हम कहते हैं खाना खाना हमारे लिए जरूरी है लेकिन ज्यादा खाना खाना शरीर बिगाड़ देता है, एग्जैक्टली वैसे ही मोबाइल आज की जरूरत है ये सच है, लेकिन ज्यादा जरूरत जरूरी हो जाना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। मतलब कितनी अल्टीमेट लाइन है, सोचिएगा, मोबाइल हमारी जरूरत है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा जरूरी हो जाना हमारे लिए नुकसानदायक है। मतलब ये है कि यदि मुझे ऐसा लगने लगे कि मेरे मोबाइल के बिना मेरे तो बस प्राण पखेरू उड़ जाएंगे, तो ये जो फीचर है ना ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत से लोगों के साथ हो गया। तो आज के हमारे इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, पहले तो हम अपने इस एडिक्शन को पहचाने कैसे, हमारी इस लत को हम पहचाने कैसे, और अगर पहचान लिया है तो फिर हम इससे बचे कैसे, हम इसके लिए क्या कुछ करें, किस तरह से हम बचे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन क्लासेस के युग में जिस समय मोबाइल से पढ़ना ही सबसे जरूरी साधन हो रखा है, उस समय भी मोबाइल से जो गैर जरूरी चीजें हैं उनसे कैसे बचें। क्योंकि एजुकेशन का मोड ऑफ एजुकेशन तो मोबाइल बना लिया, लैपटॉप बना लिया, लेकिन फिर भी हमारा एडिक्शन जो है वो हमसे दूर नहीं हो रहा है। आइए एक एक करके सारी चर्चा करते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका मोबाइल जैसे ही आपके सामने रखा दिखाई देता है, बिना कुछ किए धरे आपके नींद में भी हाथ मोबाइल पर जाता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप मैसेज पढ़ के देखने लगते हैं, तो समझ जाइए कि आपको चिंता करने की जरूरत है क्योंकि आप बीमार हो चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, कि आप अगर इस प्रकार की कोई भी चीज अपने साथ नित्य नहीं होती देख रहे हैं कि मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं लेकिन मोबाइल जैसे ही बगल में रखा होता है या फिर बत्ती जैसे ही जलती है तुरंत उसे पलट कर देखने का मन करता है, और 5-7 मिनट ना देखूं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या छूटा जा रहा है, समझ जाइए कि आपको एक गजब लेवल का, बहुत बड़े लेवल का एडिक्शन लग चुका है। आपके डोपामाइन को बढ़ाने के लिए जो वहां से इंट्यूशंस मिल रहे हैं वो बड़े नुकसानदायक लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब बड़ा सवाल बनता है कि कोई फर्क क्या पड़ जाएगा। लेट से सर मैंने मान लिया कि मुझे एडिक्शन है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है मेरी लाइफ पे, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा सर। मतलब एक तरह से मैं जैसा दिखता हूं वैसा आज दिख रहा हूं, अच्छे घर का लड़का हूं, पैसे वाले घर वाले हैं, मुझे तो कोई फर्क फील नहीं हो रहा है। बहुत सारी लाइफ में आपकी परेशानियां इसकी वजह से बनती हैं। सबसे पहली चीज, यदि आपको मोबाइल का एडिक्शन है, देखिए एडिक्शन है या नहीं है ये बताने के लिए भी मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिन्हें चेक करके आप पहचान लेंगे कि आपको एडिक्शन है या नहीं, लेकिन फिर भी आपको नुकसान क्या क्या होते हैं उस एडिक्शन से वो पहले जान लीजिए ताकि आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से चेक कर पाएं। पहला, क्या आपका पढ़ते समय कंसंट्रेशन वीक है, तो जरूर मोबाइल के बारे में विचार करिए। नंबर दूसरा, क्या आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट है, कुछ खो जाने का डर लगता है, जिसे फोमो कहते हैं, यानी कि मुझसे कुछ छूट रहा है, मैं कहीं किसी के दूर तो नहीं चला गया। ये फोमो जो फीचर है ना, ये अगर आपके अंदर डेवलप हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर आपके अंदर हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। तीसरा, क्या आपके पास दिमाग में पूरे टाइम स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, पूरे टाइम बैठ करके भी आप तनाव में रहते हैं, तो सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके साथ साथ आपको लगता है कि दुनिया रियलिटी में ऐसी नहीं है जैसी दुनिया दिख रही है, क्या आपको लोगों पर डाउट होना शुरू हो गया है, समझ जाइए कि आप फिर से एडिक्शन में शिकार हो चुके हैं। क्या आपकी मेमोरी कम हो चुकी है, आपको लगता है कि मैंने परसों उस आदमी का नाम सुना था लेकिन आज भूल गया हूं, कारण है क्योंकि आप ओवर डिपेंडेंसी अपने मोबाइल पर कर चुके हैं, तो समझिए आप फिर से बीमार हैं। और नेक्स्ट चीज है, यदि आप अपनी नींद की वजह से जगते हैं, जब हैं तो थके हुए जगते हैं, या फिर आपको नींद जगने के बाद भी
सोने का मन करता है तो अगेन आप अपने आप को समझाइए कुछ तो गड़बड़ है बॉस। यानी कि आपके 6 ऐसे फीचर्स हैं, या यूं समझिए कि अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है तो ये 6 फीचर जरूर होंगे आपके पास। आपके पास में मतलब कंसंट्रेशन वीक होगा, मेमोरी कम होगी, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके अंदर होगा, आप लोगों को भूलने लगेंगे, साथ में आपका स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ने लगेगी, दुनिया को आपको सत्यता और मतलब जो वास्तविकता जो है ना उससे आप मैच नहीं कर पाएंगे चीजों को, आपकी मेमोरी कम हो जाएगी और साथ में नींद जो है वो आपकी कभी पूरी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं बॉस। तो अब हम पहचाने कैसे, हमको फीचर तो पता चल गए कि साहब अल्टीमेटली हमारे साथ शरीर में इस तरह के नुकसान हो रहे हैं, ये नुकसान हमारी परेशानी के रूप में हमारे मोबाइल के यूज करने से हो गए हैं, फिर भी सिम्टम क्या है, हम करते क्या है, मोबाइल का एडिक्टेड व्यक्ति करता क्या है। जैसे ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति ड्रग लेने की तरफ भागता है, वैसे ही मोबाइल एडिक्टेड व्यक्ति क्या करता है। देखिए वो जब भी फोन के साथ रहेगा ना, उसकी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं कैसे कैसे मोबाइल के अंदर कुछ देख लूं। आपने बहुत बार देखा होगा एक ही परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए हैं फिर भी कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मोबाइल चेक करने लग रहा है। यानी आपके साथ में अगर मोबाइल के अंदर जैसे ही एक टोन बजती है आप दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। आप में से कई ऐसे होंगे मेरे साथी जिन्हें मोबाइल की घंटी बजते ही एक छोटी सी टिंग का मैसेज आते ही नींद खुल जाती होगी और आप तुरंत मैसेज देखने पहुंच जाते होंगे। मेरे प्यारे साथियों ये सब चीजें आपके साथ बहुत नुकसानदायक हो रही हैं। आप हर चीज को व्हाट्सएप कर रहे हैं, इंस्टा पर कर रहे हैं, रील में चला रहे हैं, आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तो आपके साथ में कंपल्सिव चेकिंग हो रही है, यूजिंग ए फोन एप्रोप्रिएट टाइम पर आप उसे यूज कर रहे हैं, रात को अचानक जगे और आपने मोबाइल चेक कर लिया, आप एप्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप फर्स्ट और लास्ट थिंग ईच डे चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ है। तो इन चीजों की वजह से आपको मेरे प्यारे साथियों ये सेल फोन एडिक्शन के प्रमुख फीचर्स में से हैं। तो अब क्या करें, इन एडिक्शन से बचने के लिए क्या करें। हमें पता है कि हम ये जानते हैं सर, हम खुद से, आप में से कई आज ऐसे साथी भी होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि सर मुझे तो पता है कि मेरे साथ फोन का एडिक्शन हो चुका है, अब बचूं कैसे, आप ये बताइए। मुझे पता है कि मैं गलत समय पर गलत यूज कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा समाधान क्या है। देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मोबाइल का उपयोग करना ही बंद कर दो, इसे फेंक दो ले जाकर लॉक में, ये सही चीज नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इस समय नॉलेज का बहुत बड़ा सोर्स मोबाइल हो रखा है, क्योंकि कोरोना काल से लोगों को पढ़ने के लिए मोबाइल पर जिस तरह का नॉलेज मिलना शुरू हुआ, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो या यूट्यूब के सोर्सेज हो या गूगल का उपयोग करना आपने सीखा हो, वो आज से 3-4 साल पहले नहीं था। पहले तो ऐसा हुआ करता था जैसे हम जब ऑफलाइन पढ़ाया करते थे उस समय हम बच्चों को बोलते ही एक लाइन थे कि आपको मोबाइल भी लाना है तो वो वाला लाना है जिसमें कि नोकिया 1100 आता था ना, जो कि कीपैड से चलता था, कीपैड वाला मोबाइल लेके आओ जिसमें कि कोई भी एक्स्ट्रा फीचर ना हो, केवल कॉल के समय आप उसका उपयोग करो, उसमें आउटगोइंग मत रखो, केवल इनकमिंग रखो। हम इतना ज्यादा बच्चों को रिजिड करते थे, उनकी चेकिंग करते थे कि उनके पास में मोबाइल तो नहीं है। लेकिन आज के समय में क्योंकि मोबाइल से बहुत से रिजल्ट्स निकल रहे हैं, लोग मोबाइल से पढ़ पढ़ के यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, जेई क्रैक कर रहे हैं, नीट क्रैक कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने उस मोबाइल का सही उपयोग करना सीख लिया है, हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो जिस युग में हैं या जिस समय से उन्होंने पढ़ाई की थी, उनके समय में फोन होता नहीं था, इसलिए वो इस बीमारी का इलाज एक जानते हैं और वो क्या है, फोन का उपयोग बंद कर दे। अब वो फोन का उपयोग बंद कर दे ये तो कह देते हैं, लेकिन वो ये कहना भूल जाते हैं कि बेटा इस फोन के थ्रू तेरे पास जो जानकारी आ रही है वो तुम्हें आज आसपास की स्कूलों में या कॉलेजेस में नहीं मिल रही है। आज क्या कारण है कि जब हम कोई सेशन लेते हैं दिन भर में 10-15 लाख लोग उन्हें सुनते हैं, यदि सूचनाएं इतना ही आसानी से हर स्कूल में या कॉलेज में मिलने लग जाती तो फिर ऑनलाइन को कोई क्यों देखता, कोई क्यों सुनता, क्योंकि हम तो कोई मनोरंजन वाली बात भी नहीं पढ़ा रहे होते हैं, हम तो केवल दुनिया भर की जानकारी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर करा रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जरूरी है, ये सबको समझ में आ चुका है। हमारी जनरेशन जो गैप है ना, वो इस इंफॉर्मेशन को भी नहीं समझ पा रही है, वो कहती है कि मोबाइल बीमारी है इसको दूर कर दे, वो सही बोल रहे हैं। असल में आप जो अपना समय खराब कर रहे हैं ना, वो उसके प्रति आपको आगाह कर रहे हैं, ये काम मत कर। तो अब कैसे करें, हम क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, थोड़ा खर्चा जरूर होगा, आप कोशिश करिए कि कोई ऐसा डिवाइस आप ले आए, या तो कोई लैपटॉप आप ले लें या फिर कोई आप अपने पास में टैब ले लें।
क्योंकि लैपटॉप और टैब जो होते हैं ना वो इजी टू हैंडल नहीं होते। हालांकि ये थोड़ा महंगा मैंने तरीका बताया, लेकिन बेस्ट तरीका है। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी आदतों में स्वतः ही सुधार दिखने लगेगा। यदि आपको मोबाइल के थ्रू वीडियो देखने की आदत है, थोड़ा सा चेंज करिए, कहीं सेकेंड हैंड चाहे लैपटॉप खरीद लीजिए, कोई टैब खरीद लीजिए, ईएमआई पर लैपटॉप या टैब ले लीजिए, आप उनके थ्रू क्लासेस देखना शुरू करिए। पहला फायदा तो ये होगा कि आप लोग जो है ना वो मोबाइल को हर टैब को हर जगह ले जा नहीं पाते हैं, इसलिए आप उसने इसमें अगर व्हाट्सएप या इंस्टा या फेसबुक इंस्टॉल कर भी लिया है ना तो भी आप जब केवल बैठेंगे तो ही आप देखेंगे, एनी टाइम उसे नहीं देखेंगे। वहीं दूसरी ओर फोन पर कनेक्ट रहने के लिए कोई भी सस्ता सा ऐसा मोबाइल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का स्मार्टनेस ना हो, स्मार्टफोन ना हो, उसे आप यूज करिए। यानी पहला तरीका तो ये हो गया, एक सस्ता फोन और दूसरा बड़ी डिवाइस, इनका कॉम्बो बना लीजिए। इसका पहला फायदा ये होगा कि अगर आपको फिर एडिक्शन भी है तो भी वो केवल बैठे बैठे समय पर होगी। आप पब्लिकली कहीं बाहर निकलेंगे तो आप खुली आंखों से दुनिया को देख सकेंगे। यानी पहली चीज तो आपके लिए ये जरूरी हुई। दूसरी चीज कि सर नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया मोबाइल खरीदूं, मैं नया टैब खरीदूं या लैपटॉप खरीदूं, क्योंकि टैब खरीद के भी तो हो सकता है मैं व्हाट्सएप पर चैट करता रहूं। तो इसका दूसरा तरीका पॉइंट नंबर टू सुनिए, यदि आप मोबाइल के साथ ही अपने अंदर एडिक्शन दूर करना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन नंबर दो ये है कि आप अपने मोबाइल में से जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सभी को डिलीट मार दीजिए। दिल दुखेगा, लोगों को लगेगा कि आपने जो है कोई ना कोई ऐसी तरीके अपना लिए हैं, दुनिया से कट हो गए हो। कुछ लोग आपसे कहेंगे आजकल तुम बड़ा आइसोलेट रहने लग गए हो, तुम्हें हमें हमारी परवाह नहीं है, कहां रहते हो आजकल, इस तरह की बातें कहेंगे। आप उनसे कहिए कि मुझसे मिलना है तो फोन कर लीजिए, मुझसे मिलना है तो मिलने की जगह बता दीजिए, वन टू वन मिल लेंगे। ये व्हाट्सएप वाला प्यार यार जमता नहीं है। यानी इस तरह से आपका खुद से समय आपको समझ में आएगा कि जाने आने में कितना समय खर्च होगा, आप खुद से अपना समय बर्बाद करना रोक देंगे। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट ही मार दीजिए। आप कहेंगे सर अगर सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट मार दिए तो आपके बारे में फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर पता कैसे चलेगा? आप उनकी चिंता छोड़िए, अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कुछ कठिन कदम उठाने होंगे, आप इन्हें सीधा डिलीट मार दीजिए। आप कहेंगे सर लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आती है, तो उनसे कहिए जो आपके पास में बहुत जरूरी सूचनाएं आ रही है, बहुत सारे और भी एप्लीकेशन अब बन चुके हैं जिनसे आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, आइदर आप टेलीग्राम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं या कोई और मैसेजिंग ऐप यूज कर लीजिए। अगर आपके घर वाले आप तक कोई इंस्टेंट मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कुछ करीबी लोग आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो मैसेजिंग के लिए जर्नल एप्लीकेशन मत ज्वाइन करिए। आजकल होता क्या है, आपके बिना परमिशन के ही लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं और फिर उसमें दे धमाल जानकारी भेजने लगते हैं। आधा मूड तो हमारा इसलिए खराब हो जाता है कि हमें जबरदस्ती किसी ने ऐड क्यों कर लिया, बाकी रहा सया इसलिए खराब हो जाता है कि इससे लेफ्ट कैसे करें, फिर ग्रुप पे चलने वाली जो बातें होती हैं वो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो व्हाट्सएप जहर हो चुका है कई बच्चों के लिए, तो उससे निकलिए। कोई बात नहीं, दुनिया की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी बेरोजगार व्यक्ति के काम की हो। पेपर का नोटिफिकेशन होता है, अगर आपको नोटिफिकेशन ही चेक करना है तो रोजाना सुबह जगे, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो सरकारी है उसको दोबारा देख लीजिए, हर दिन की आदत में डाल लीजिए, बाकी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बेरोजगार युवाओं से या फिर जो लोग अपने लिए खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है, केवल खामखा समय खराब करने के लिए आपको याद करती है जनता। छोड़ दीजिए उन्हें अपने हाल पर, आप केवल इतना सा काम करिए। इसके अलावा साथियों, अगर आपको सोते समय मोबाइल देखने की लत लग गई है तो कृपया करके आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डालकर अपने से दूर रखकर सोएं, ताकि आपको देखने के लिए जो भी रात को जगने की आदत है ना वो आपको उठ करके देखना पड़े, इस आलस में आप उठे ही नहीं। ये तरीका आप अपना सकते हैं, यानी कि आप ये कोशिश करें कि मोबाइल आपकी रीच में ही ना हो। चौथी चीज आप कर सकते हैं, अगर आप एक बच्चे हैं, आपके घर वाले आपके साथ रहते हैं तो आप उनके साथ कहिए कि आप अपना मोबाइल उनको जमा करा रहे हैं, ये साहब मेरा मोबाइल आप रख लीजिए। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि आप छोटा फोन यूज करें, बड़े स्मार्टफोन यूज ही ना करें। लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लासेस सुननी है, मुझे जैसे सुनना है, आपको ये सब देखना है, तो आप अपने मोबाइल के अंदर इस तरह की चीजें देखें जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी केवल मोबाइल का उपयोग तब करें जब वो आपकी जरूरत में हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं, देखिए आप कोई सा भी एग्जाम निकालना चाहें, मैंने यूट्यूब पर कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दिया हो, बिना सेल्फ स्टडी के आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपको सेल्फ स्टडी करे बिना सिलेक्शन नहीं होगा, इसके लिए आपको 6 से 8 घंटे मिनिमम अपनी हैबिट में किताबों के माध्यम से पढ़ना होगा। आप कहेंगे सर मैं तो मोबाइल में बनाए हुए नोट्स से पढ़ता हूं, नहीं हो पाएगा। कारण यह कि आप मोबाइल के नोट्स तो पढ़ते हैं, थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाता है, आप वहां चले जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाता है। आपकी अगर कॉन्सेंट्रेशन पर कंट्रोल है तब तो आप डिवाइसेस का यूज करिए, अदरवाइज वो जहर है।
आप अपने दिन के समय में 6 से 8 घंटे जब सेल्फ स्टडी के निकालते हैं, उस दौरान आप ऐसा समय डिसाइड करें कि जब मुझे थकान होने लगेगी, मान लीजिए कि आप 2 घंटे पढ़ लिए, सुबह जग के 4 से 6 बजे तक पढ़ लिए, अब आपको थकान हो रही है थोड़ी सी कि मैं अब नहाने धोने उठेंगे, उस समय 1 घंटे का स्लॉट आप किसी ऑनलाइन क्लास के लिए निकाल लीजिए। जरूरी नहीं है कि किसी क्लास को लाइव ही देखा जाए, जरूरी नहीं है कि किसी क्लास को सेम समय पर देखा जाए, अपने हिसाब से आप उसे देखें, अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर लें कि यार मेरा टाइम पढ़ने का ये है, मैं केवल क्लास को उसी समय देखूंगा। रही बात डाउट की, तो मैं अगले दिन कमेंट बॉक्स में डाउट पिन करके छोड़ दूंगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या फिर जो भी कॉन्टेक्ट के तरीके होंगे उनसे चीजों को पूछ लूंगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करिए, दूसरे के अकॉर्डिंग डिजाइन मत करिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि रात को 9:30 बजे मेरी क्लास होती है, जरूरी नहीं है कि आप 9:30 बजे देखें, आपको शेड्यूल में है कि हाँ भाई दिन भर पढ़ के मैं थक चुका हूं, अब मुझे पढ़ लेना चाहिए। मेरा 9:30 बजे का कारण भी यही था क्लास का, कि दिन भर बच्चे जो है ना वो पढ़ाई लिखाई में अपना समय निकाल चुके होते हैं, अब वो थकान में है, अब उन्हें केवल नॉलेज से एंटरटेन कर देना है, उसके बाद में वो सो सकते हैं क्योंकि दिमाग का दिन का उपयोग उन्होंने ढंग से कर लिया है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रख सकते हैं। इसके साथ साथ कोई चीज अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर एकदम ईगरनेस आ गई है कि बस अब तो मुझे चेक करना ही है क्या होता है ये, तो गूगल असिस्ट का यूज करिए। आपके मोबाइल में गूगल असिस्ट नाम से एक फीचर होता है, उसे ढूंढ लीजिएगा। उस गूगल असिस्ट में आप क्लिक करके ऑडियो सर्च करके आप उसको बोल करके कि गूगल ये बताओ, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ आप मोबाइल का उपयोग करते समय मोबाइल में कोई जरूरी जानकारी पता भी चल गई तो उसको गूगल नोट्स करके जो ऑप्शन है उस पर सेव करके रख सकते हैं। कहने का कुल मिलाकर अर्थ मेरा यह है कि आपके जरूरी एडिक्शंस में सबसे जरूरी यह है कि मोबाइल के सोशल मीडिया के जो कनेक्शंस हैं वो आपसे दूर रहें, सोशल मीडिया पर डिस्कनेक्ट होने के लिए। आप पूछेंगे सर ऐसे तो सारे दोस्तों से मैं दूर हो जाऊंगा, मेरे को अकेलापन खा जाएगा, मैं डर जाऊंगा। आप एक काम करिए, अगर आपको बहुत जबरदस्त एडिक्शन है कि मैं रह नहीं सकता, आपकी परेशानी इस प्रकार की है, तो आप पेरेंट्स के मोबाइल से किसी दोस्त को मैसेज करके बोल दीजिए कि भाई मैं पढ़ रहा था, मैं कॉल नहीं कर पाया, कोई जरूरी बात हो तो मेरे पेरेंट्स के मैसेज पर भेज देना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स के पास कोई ऐसी बात आ गई तो बुरा लगेगा, इसका तीसरा समाधान ये है, आप बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जरूरी जानकारी है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप दिन में एक समय निकाल करके कि भाई इस समय मैं मोबाइल उठाऊंगा और अपने स्टेटस मैसेज पर लगा के लिख दो कि मुझसे अगर जानकारी चाहिए तो शाम को 6 से 8 बजे के बीच में ही संपर्क करें, इसके पहले मैं किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा जब व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, आपको लग गया कि मैं 6 से 8 भी रिप्लाई नहीं कर सकता, तो आप ऐसी स्थिति में वो जो ब्लू टिक का ऑप्शन होता है ना उसको हटा दीजिए, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, आपको लगेगा ही नहीं किसी ने पढ़ा है, ना आपको उससे अपेक्षा है ना उसको आपसे अपेक्षा है। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं इन चीजों का बेहद ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको यह सेशन लाभदायक रहा होगा। फोन को बिना दूर रखे अपने साथ। अब आप में से जिनको भी ये डाउट था कि पढ़ाई कर सकते हैं क्या नहीं, मैंने बता दिया पढ़ाई करना बुराई नहीं है, मुसीबत यह है कि आप 12-12 घंटे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, गलत है। आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना है बॉस। आप अगर अपनी खुद की सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल रहे हैं, समझिए कि आप अपने साथ कुछ गलत कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने साथियों से शेयर करें। अंकित इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। परीक्षाओं के हिसाब से, विद्यार्थियों के हिसाब से